मस्तिष्क को शांत रखने की कोशिश कीजिए, जिससे आपकी बुद्धि सही फैसला ले सके। और बुद्धि को सुबुद्धि बनाए रखना भी जरूरी है, इसलिए अपने बड़ों के आशीर्वाद लेना, अपने बड़ों के सामने सिर झुकाना और अपने सिर पर अपने गुरु के आशीर्वाद का हाथ लगवाना, नहीं तो उनकी मेहर भरी दृष्टि पड़े। और भारत में गायत्री मंत्र बहुत अधिक जपा जाने वाला मंत्र है, उसमें भी सुबुद्धि की कामना की गई है। धियो यो नः प्रचोदयात्। परमेश्वर हमारी बुद्धि को सन मार्ग पर प्रेरित कीजिए। चाणक्य तो बुद्धि के लिए ही प्रार्थना करते थे, कुछ भी छीन लेना लेकिन मेरी बुद्धि मत छीन लेना। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो लोग सही निर्णय कर पाते हैं उन्हीं का संसार में नाम भी दिखाई देता है। गलत फैसले करते करते सही फैसले की आदत पड़ती है। पहले तो गलतियां होंगी होंगे, तो फैसले करने से डरो नहीं, प्रशिक्षण लेना भी चाहिए, बड़ों की राय भी लेनी चाहिए, लेकिन हर किसी राय साहब की राय मत ले लेना। क्योंकि अपने देश में तो इतने राय देने वाले लोग हैं, बीमारी ठीक हो जाएगी लेकिन राय देने वालों की लाइन लगी रहेगी, कुछ भी बताते रहेंगे आपको। सही राय अगर आप लेते हैं, आप देखिए जो फेलियर माना जाता है जीवन का, जो कर्म योगी लोग हैं जिनके लिए ये कहा जाता है कि क्यों फेल हो गए, या तो उत्साह की कमी होगी या सही जानकारी का अभाव होगा या संसाधन सही प्रयोग नहीं हुए, एक बड़े अलग तरह की एक्सपर्ट लोगों की जो राय आती है उसमें एक बात मैंने पढ़ी कि 30% तो वित्तीय परेशानी आती आदमी को, रुपए पैसे का कोई समस्या बनी हुई हो, और दूसरी चीज मानी जाती है कि 30% आदमी की लापरवाही मानी जाती है। ये बात बहुत समझने की है, क्योंकि आसानी से हम अपने आलस्य और अपनी लापरवाही को माफ कर देते हैं, पर कुदरत कहिए या परमात्मा का कानून कहिए, वो आसानी से आपको माफ कर ही नहीं सकता। अगर आप लापरवाही करोगे तो चोट खाओगे ही खाओगे। लापरवाही समझदारी वाली बात नहीं। तो तीन चीजें एक्सपर्ट लोग कहते हैं कि 30% आर्थिक वित्तीय परेशानी आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती, 30% कहते हैं लापरवाही, और 30% माना गया है व्यक्ति की जिंदगी में सही जानकारी का अभाव, सही जानकारी नहीं थी। किसी का अमीर बाप का बेटा भी बिजनेस करने बैठ जाए और सही जानकारी ना हो तो पूरे बिजनेस को डुबो देगा। पहले प्रशिक्षण देना और सही जानकारी देना बहुत जरूरी होता है। अब 10% इसमें भाग्य काम करता है, बस ये ध्यान रख लीजिए। ये 30% जोड़कर 90 होता है ना। अब 10% हम किस्मत को रोते हैं ना कि किस्मत ही नहीं काम कर रही थी। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप कर्मयोगी बने, जीवन के अंतिम भाग तक भी कर्म करने को अपनाएं, कर्म ना छोड़ें, और परमुखापेक्षी होने की आदत होनी नहीं चाहिए। सेवा करें, सेवा कराएं नहीं, देकर खुश हों लेकर नहीं। मुस्कुराते रहने की आदत जीवन के अंतिम भाग तक रहे और परमात्मा को धन्यवाद देते हुए जिंदगी व्यतीत हो, ऐसी आदत डालिए। और हो सके तो रविंद्रनाथ टैगोर की उस पंक्ति को याद कर लीजिए जब उन्होंने आखिरी दिनों में कहा था कि मैं फिर जन्म लेना चाहता हूँ, इस धरती पर आना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे भगवान ने जो कुछ मुझे दिया
उस सब का धन्यवाद करते हुए एक जिंदगी कम पड़ गई, इसलिए दोबारा इस दुनिया में आकर धन्यवाद करके जाना चाहता हूं। मतलब ये प्रभु प्रेमी व्यक्ति का ये गुण होता है, इसलिए कृष्ण भक्ति में कर्म योग को बड़ा महत्व दिया गया है। और कृष्ण संदेश कर्म योग का संदेश है। सामान्यतया आप लोगों ने इतना तो सुनी रखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये सब तो आपको याद भी है, लेकिन जिंदगी में याद करना है इस बात को कि कर्मरत रहना है। इसलिए मैंने आपसे कहा ये संसार कर्म क्षेत्र है, कर आपको दिए गए, हाथ कर दिए गए कर्म करने के लिए। उपनिषदों में मनुष्य को एक शब्द से संबोधित किया गया, कृतु, कृतो स्मर, क्लिवे स्मर, कृतगुम स्मर, ऐसा संदेश ईशोपनिषद। सार ये है कि कर्मशील जीव अपने किए को याद कर और अपने कर्तव्य को याद कर। मतलब हमें जीवन के प्रत्येक क्षण में कर्मशील बने रहना है, और कर्मशील बने रहने का मतलब है जो व्यक्ति खाली समय का भी उपयोग करना जानता है। जापानी लोग कहते हैं निरर्थक वस्तुओं का भी उपयोग करके उसे मूल्यवान बनाओ। दो महान सन्यासी भारत के जिन्होंने हिंदुस्तान का, भारत का नाम संसार में दिग्दिगंत में चमकाया, स्वामी विवेकानंद, दूसरा नाम आता है स्वामी रामतीर्थ। स्वामी रामतीर्थ ने अपने जीवन गाथा में एक वर्णन किया कि जापान यात्रा में मैंने पानी के जहाज में एक जापानी व्यक्ति को देखा, बंदरगाह पर जहाज रुका और कुछ लोग चीजें खरीदने के लिए बाहर निकले, तो ये जापानी व्यक्ति युवक गन्ना खरीद के लाया, चाकू से उसे करीने से तराशा, छिलके निकाले, निकाल कर के रखे, फिर गन्ने को खाया, डस्टबिन में कूड़ा डाल दिया, और वो जो छिलके थे उन्हें तराश कर फिर फूल रखने की डलिया बनानी शुरू की, क्योंकि यात्रा में खाली था तो मनोरंजन कर रहा था अपना। डलिया बनाई फूल रखने की, दो बन गई, छोटी छोटी दो फूल रखने की डलिया बनाई, फिर अपने बैग से ऐसे पेन पेंसिल वगैरह निकाले जिससे उसमें कलर करना शुरू किया, और कलर करते हुए कुछ गुनगुना रहा था। तो वो कहते हैं मैंने उससे पूछा कि ये क्या कर रहे हो, बोले खाली समय है, आलसी बनने की आदत नहीं, क्योंकि कुछ लोग जिंदगी को जंग लगाते हैं, जैसे किसी लोहे को जंग लग जाता है, लकड़ी को दीमक लग जाती है, खाली बैठे बैठे गलत गलत सोचते सोचते आदमी अपनी जिंदगी को जंग लगा लेता है, कि इसलिए मैं अपने को जंग नहीं लगा रहा बल्कि अपनी प्रतिभा को प्रखर बना रहा हूं और अपने खाली समय का भी उपयोग कर रहा हूं, और मेरा ये कार्य निरर्थक नहीं जाएगा। जितने का गन्ना खरीदा उससे डबल पैसे अभी कमा लूंगा बैठे बैठे, और थोड़ी देर के बाद वहीं बैठे बैठे जैसे उसने सजा कर रखा उसे, वहीं से यात्री खरीदने के लिए आ गए, उन्होंने कहा भाई बेचोगे क्या, बोले हाँ बेचेंगे। स्वामी रामतीर्थ ने कहा था कि आने वाले युग में मनुष्य को सबसे ज्यादा मूल्यवान अपने समय को समझना है, और समय को कर्म के साथ जोड़कर कर्मशील बनते हुए एक एक क्षण को मूल्यवान समझते हुए उसका लाभ लेना है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि कर्मशील हम कहलाना चाहते हैं या कर्म योगी कहलाना चाहते हैं, तो अपने समय का ठीक उपयोग करने के साथ साथ इस बात को भी ख्याल रखें दूसरे का भी समय खराब ना करें। बातचीत जरूर कीजिए, आनंद और मनोरंजन वाली भी कीजिए,
पर आपने देखा होगा कि हम भारतीय घरों में लोग मिलने आते हैं तो ड्राइंग रूम में बैठकर बात होगी, फिर दूसरे कमरे में होगी, फिर बाहर सीढ़ियों पर बहुत बात होती है, अंदर इतनी बात नहीं होंगे। आना अच्छा जरूर आएंगे, तुम भी आना, और वो क्या कैसा है, फलाना कैसा, पड़ोसी का क्या हाल है, पड़ोसी के कुत्ते का क्या हाल है, सबका हालचाल पूछते पूछते फिर नीचे सीढ़ियों से उतर के जाएंगे, फिर गाड़ी के पास में जाके फिर और सुना और क्या हाल है, मौसम बड़ा ठंडा है आजकल, खूब सारी बात होगी। इतना समय खराब कर लेते हैं आपस में। और कुछ लोगों की आदत है सामने बैठकर बात नहीं करेंगे, फोन पे बात करेंगे। आजकल एक और मुसीबत चली हुई है, सारा दिन व्हाट्सएप पर बैठे रहेंगे। और अभी यूरोपियन देशों से जो खबरें आती हैं उसमें यह भी एक बात आ रही है, रिश्ते टूटने में इस व्हाट्सएप का भी बहुत बड़ा हाथ शुरू हो गया है। सार में इतना ही कहना चाहूंगा, समय की कीमत समझ करके प्रथम क्या करना चाहिए, बाद में क्या करना चाहिए, आखिर में क्या करना चाहिए, सब लिस्ट बनाकर जो लोग चला करते हैं वो अपने समय का बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के संबंध में एक उल्लेख है कि जिस दिन वो हस्तिनापुर में संधि के प्रस्ताव के लिए गए उस दिन उनकी जीवनचर्या या दिनचर्या के विषय में एक उल्लेख मिलता है। मैं जब उसे पढ़ रहा था तो क्योंकि सबके अपने अपने ढंग से चिंतन करने की दृष्टि होती है तो मैं समझने की चेष्टा कर रहा था कि गोविंद का, भगवान कृष्ण का जीवन दर्शन तो हमें समझ आता है, जीवन शैली भी समझ आती है, समय व्यतीत करने का ढंग क्या था। तो प्रभात समय में, क्योंकि आपके ग्रंथों में लिखा है ब्राह्मे मूर्ते बुद्धेत धर्मार्थ चानुचिंतेत काय क्लेशांश तन्मूलान वेद तत्वार्थमेव च, ब्रह्म वेला में जाग जाओ, आसमान में जब लाली आने लग जाए, अभी माथे पर आसमान के लाल तिलक किया है प्रकृति ने, धीमी धीमी हवा चल रही हो, ओस की बूंदों से घास सजा हुआ हो, फूल खिलने को तत्पर, घोंसलों में बैठे हुए पंछी पंख फड़फड़ा रहे, मंदिर की घंटियों के स्वर आए नहीं हैं, अभी लोग अभी जागे भी नहीं, वही समय जब परमात्मा का प्रेमी सुबह उठकर उस प्रभात काल में व्यायाम करे, प्राणायाम करे, या ध्यान करे, पूजा करे, कोई स्वाध्यायशील है स्वाध्याय करे, विद्यार्थी पढ़े, उस समय देव शक्तियां विचरण करती हैं आसमान में, जो जो कुछ मांगता है उसे वो प्राप्त हो जाता है, इसलिए प्रभात का आनंद लेना चाहिए। वैदिक साहित्य में एक शब्द का प्रयोग है उषर बुद्ध, उषर बुद्ध का अर्थ होता है उषा वेला में जागने वाला, तो इसका उपयोग करना चाहिए। तो कृष्ण भगवान का वर्णन मिलता है कि प्रभात में जैसे उठे तो अपना ध्यान किया, फिर यज्ञ किया, फिर ब्राह्मण लोगों को दान किया, फिर गौदान किया, फिर अपना प्रातराश करके, आप जो फास्ट ब्रेक करना कहते हैं ना, मैंने उल्टा बोला ना, फास्ट को ब्रेक करना इसे को बोलते हैं ब्रेकफास्ट। तो सुबह सुबह जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं प्रातराश, सुबह का नाश्ता। तो वो करने के बाद कृष्ण फिर बाहर निकले तो बड़ों को प्रणाम किया और छोटों से मिलकर उन्हें आशीष दिया और बड़ों के साथ गले मिलकर फिर गोविंद अपने रथ की ओर चले। और एक एक क्षण का पूरा उपयोग बताया, आगे की यात्रा में ये भी कहा कहां से कहां पहुंचेंगे, कहां ऋषि मुनि मिलेंगे, कहां कौन स्वागत करेंगे। तो कृष्ण भगवान ने संसार के सामने ये एक उदाहरण रखा कि समय और शक्ति का बहुत ढंग से उपयोग करना सीखिए।
और अगर ये उपयोग नहीं आएगा आपको, तो आपकी जिंदगी की सफलताएं संभव नहीं है, विफलताएं शुरू हो जाएंगी। इसलिए जीवन साफल्य इस बात पर बहुत निर्भर करता है कि आप एक क्षण का ठीक से उपयोग करना सीख जाएं और बुद्धिमत्ता से आप अपनी योजनाएं बनाएं और भय मुक्त होकर चलें, निराश ना हो, जल्दी घबरा ना जाएं, व्यर्थ की चिंताएं और आशंकाएं ना पालें। ये सब जब चीजें साथ जुड़ती हैं तो कर्म योगी का कर्म योग सफल होता है। तो इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, कर्म योगी बनिए। सीखना जानना भी जारी रहना चाहिए, सीखने को कभी छोड़ना नहीं। और खास बात कर्म योगी व्यक्ति की, जिसका दृष्टिकोण हर वक्त तैयार और कैसे भी समय निकालना जानता हो। जो लोग बहुत काम में लगे हुए होते हैं, उनको चार काम और दे दो तो ले लेंगे। और कुछ लोग होते हैं बिजी, बहुत काम कुछ भी नहीं। अब देखते हैं ना कि कुछ लोग, महिलाएं तो ज्यादातर बोलती हैं, पति क्या करते हैं, बोले काम कुछ भी नहीं, बिजी बहुत है। बड़ा बढ़िया विश्लेषण करना जानती हैं महिलाएं अपने पति का, तो ऐसा कर देती हैं जो दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। ये बात अलग है कि वो बेचारी आदर मान के कारण सामने बोल नहीं पाती। निवेदन ये करना चाहता हूं कि हर वक्त तैयार रहने का दृष्टिकोण बनाइए। और इसी तत्परता में एक चीज होती है, जो कर्मयोगी लोग होते हैं वो धन्यवाद में तत्पर होते हैं, लेकिन आलोचना में नहीं, निंदा में नहीं। मैंने बहुत सफल सफल लोगों को देखा, हर एक की हृदय से प्रशंसा करते हैं, निंदा चुगली में रुचि नहीं रखते। क्योंकि जिसे आगे बढ़ना है उसके पास ग्रहण करने के लिए समय होना चाहिए, दूसरों को कैंची की तरह काटने का नहीं, बल्कि सुई जो सिलने का काम करती है, वैसा दृष्टिकोण जिसके पास है बस वही आगे बढ़ेगा। और एक बात और, जो ये मानते हो कि बहुत कम लोगों को ही महान से महान और कठिन से कठिन कार्य करने का मौका मिलता है, अगर मुझे मिला है तो मैं सौभाग्यशाली हूं, तो क्यों घबराऊं, पूरा करके दिखाया। विश्व में अनाथ समस्या भयावह है, भारत में अनाथ लावारिस बच्चों की संख्या 4 करोड़ से अधिक है। बेबस लाचार भोले बचपन को आपके प्रेम और सहयोग की जरूरत है। हम सूरत, गुजरात और कानपुर, उत्तर प्रदेश में 2 अनाथालय चलाते हैं। अत्यंत गरीब 1000 बालक बालिकाओं के लिए फरीदाबाद हरियाणा में ज्ञानोदय विद्यालय और झारखंड प्रदेश में नक्सली समस्या आतंक ग्रस्त क्षेत्र में आदिवासी बालक बालिकाओं के लिए 2 स्कूल संचालित करते हैं। इस महान कार्य के लिए आपके आर्थिक सहयोग से इन बच्चों का भविष्य संवर सकता है। यदि आप विश्व जागृति मिशन के इन बाल विकास योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें विश्व जागृति मिशन आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली।